जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी बी व्लॉग्स। तो यह है रक्षाबंधन के बाद का व्लॉग। मैं 2-3 दिन रुकी थी अपने पीहर में, तब का है। हमारे एक भाभी हैं पास में, उनके चौथ का था व्रत, तो वो मम्मी से कथा सुनने के लिए आई थी। और ये वैदिक अपना ब्रश, ये छोटा सा टॉय लेके बैठा है कि इसको ब्रश करवाऊँगा। और ये मेरी भतीजी लगी है कि मेरे को भी तिलक लगा दो, मम्मी कथा सुनाने वाली थी भाभी को। तो भाभी आई थी सुबह सुबह। और मेरे व्लॉग बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। क्या हो गया था किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी तो नहीं बता पाऊँगी, बाद में बताऊँगी। तो पहले मेरे जो कंटिन्यू व्लॉग है इसके बाद के जो भी, वो सब कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद जो हुआ था वो मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूँगी। फिर बनाई थी भाभी ने चाउमीन, पूछा था फरमाइश में कि क्या खाना है। मैंने चाउमीन की फरमाइश की थी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी सब काट के रख लिया। और ये तेल गरम करके उसमें जीरा डाला, उसके बाद सारी सब्जियां डाल के अच्छे से भून ली। और उसमें यही हल्दी, मिर्ची, नमक, मसाले डाले, टोमेटो केचप डाला, सोया सॉस डाला और मस्त वाली चाउमीन बना के खिलाई। गजब लगती है, घर पे ही बनाते हैं। और ये चाउमीन हम लोग झारखंड से मंगवाते हैं, मेरे मामा वहाँ रहते हैं, तो हमें वहाँ वाली बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग वहीं से मंगवाते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद भाई ने बना के पिलाई थी कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी ऐसी पिलाई कि अपने सारे कपड़े उसने ख़राब कर लिए। वो ग्राइंडर में उसको फेंट रहा था अच्छे से, जो पता नहीं कैसे ढक्कन खुला और सारा निकल गया। और ये रात को देखो भाई, भतीजी, वैदिक सबको खिला खेलने में, और मतलब अपनी पीठ पर बैठा के खिला रहा था। और ये वैदिक कर रहा है यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई हिंदी के लेटर्स, तो ये पहचान रहा है, जैसे वो पूछ रहे हैं उसको बता रहा है। और फिर नेक्स्ट डे भाई लेके गया था मार्केट वैदिक के लिए भी कुछ ड्रेस वगैरह लेने के लिए। तो मैं, हम दोनों ही गए थे, पहले श्याम बाबा के मंदिर गए थे, तो वहाँ दर्शन किए, वहाँ का रिकॉर्ड कुछ किया नहीं, फिर आ गए थे शॉप पे। और फिर घर आने के बाद ये देखो फिर से भाई बहन की मस्ती चालू है। वॉइस हो सकती है मेरी थोड़ी डल लग रही है क्योंकि तबीयत डाउन है, और लेकिन वीडियोज़ एडिट किए पड़े थे, रिकॉर्ड करने बाकी थे, वॉइस ओवर करना ही बाकी था। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए रिकॉर्ड करे पड़े, तो इनको डाल देती हूँ। ये इसकी मालिश कर रही है, इसको गले लगा रही है, पर उसको अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा भाई मेरे आने की खुशी में बना रहा है व्हाइट सॉस पास्ता। और ये भाभी बनी है हेल्पर। फिर नेक्स्ट डे चली गई थी मार्केट क्योंकि ससुराल जाना था, तो मम्मी बोली साड़ी वगैरह कुछ ले आओ अपने लिए। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।